गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज मैं करने वाली हूँ ट्रुथ और डेयर। आइए सेट पे कुछ चुनिंदा लोगों को पकड़ते हैं और उनके साथ क्वेश्चन एंड डेयर भी करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जाल में फंसाते हैं नीमो को क्योंकि पहले बकरे वही मिले हैं तो उनको फंसाते हैं। लेट्स गो। हेलो। सो आज मैं एक स्पेशल व्लॉग बना रही हूँ। और हमारे पहले बकरे आप ही तो बकरा हूं। हाँ वही समझ लीजिए। ये तो लगा था कि मैं यश कुमार हूँ, मुझे लगा था कि मैं अच्छा एक्टर हूँ। हाँ वो तो आप है ही, बट यू नो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है ट्रुथ एंड डेयर। तो मैं चलिए आपको ऑप्शन देती हूँ, आपको ट्रुथ करना है कि डेयर करना है? ट्रुथ। ट्रुथ सच्चा नहीं, मैं एक्चुअली सोच रहा हूँ डेयर वाला, क्योंकि सच और सच को तो आदमी झूठ बोल भी देता है कि नॉर्मली कहीं फंस जाता है तो अपने सच को झूठ बना देता है। सिर्फ वही जानता है कि वो सच है कि झूठ तो लोगों के सामने सच्चाई नहीं आ सकती है। तो इसमें झूठ के चांसेस हैं, पर डेयर में चांसेस नहीं है झूठ के। तो आप करेंगे डेयर? डेयर। ओके। जैसा कि आपने देखा कितना ज्यादा फुटेज इन्होंने लिया, लेकिन अब ये करने वाले हैं डेयर। तो मैं आपको डेयर देती हूँ। जो हमारे सेट पे डायरेक्टर हैं सुजीत वर्मा जी, आप अभी उठेंगे जाएंगे और उनको गोद में उठा करके वहाँ एक पेड़ है वहाँ तक लेके जाएंगे और उनको आप बताएंगे नहीं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। शर्त मंजूर है? बोलिए बोलिए। ओके चलिए लेट्स सी। हो जाते हैं यही खड़े, लगना नहीं चाहिए कि वीडियो उनके पास। तो ये अपने डेयर में हो गए हैं सक्सेस। यार कुछ अलग डेयर देना चाहिए। ओके तो आप अपने पहले डेयर में हुए सक्सेस। अगर मुझे पता होता कि ये मुझे उठाने वाला है तो मैं उठता नहीं, तब मैं उठ जाता। कंप्लीट किया, एक और डेयर करूंगी उनके साथ, लेकिन एंड में। अब हम पकड़ते हैं दूसरे बकरे को और वो होंगे जहांगीर दादा जो हमारे कैमरामैन हैं। तो अब हम जा रहे हैं जहांगीर दादा के पास। हाँ? अब लेट्स सी वो करते हैं ट्रुथ या डेयर। तो ये हैं दादा हमारे कैमरामैन, बड़े आराम से बैठे, बट इनको नहीं पता कि अभी इनके साथ क्या होने वाला है। हाय दादा। हाय, कैसे हैं आप? ओके तो मैं एक वीडियो बना रही हूँ। हाँ जी। उस वीडियो का नाम है ट्रुथ एंड डेयर। ठीक है या। तो बताइए आप क्या चूज करना पसंद करेंगे? ट्रुथ। ओके सो अगर आप हार गए तो शर्त ये है आपको डेयर करना पड़ेगा और जो मैं बोलूंगी आपको वो मानना पड़ेगा। अरे नहीं आप गलत गलत कुछ बोल रहे। नहीं मैं गलत गलत कुछ नहीं बोलूंगी, यहाँ लोगों को पता है। भांगड़ा करो नाचो करेंगे राइट। ओके सो टेल मी मेरा फेवरेट कलर। येलो। हार गए आप, मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और ये सबको पता, आप हार गए। तो आपके लिए डेयर है, ये है हमारे प्रोडक्शन मैन शैलेंद्र जी, आपको इनको गाल पे किस करना है। अरे दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा नहीं, स्लो मोशन। अब किसको पकड़ूं? शैलेंद्र को। अब पकड़। हाँ अब इनके पास सीधे चलते हैं हम अपने इनके पास। मैं हैं शैलेंद्र जी। तो शैलेंद्र जी आप ही बताइए आपको ट्रुथ करना है कि डेयर करना है? तो शैलेंद्र जी आप हैं प्रोडक्शन में जी। तो क्या कोई भी ऐसा प्रोडक्शन होगा जहाँ आपने झोल नहीं किया? नहीं कोई ऐसा प्रोडक्शन होगा। हर जगह किया ना? थोड़ा मोड़ा। थोड़ा मोड़ा ये हुआ झूठ। मेरा मुंह तो निकल गई। तो अब आपको डेयर करना ही पड़ेगा। अब आपको डेयर करना ही पड़ेगा। यश कुमार एंटरटेनमेंट में पूरी फिल्म में 5-7 हज़ार हो गया होगा। 5-7 हज़ार या 50-60 हज़ार? ये मेरी लाइफ की पहली फिल्म होगी जो इतना कम आया है। 5-7 हज़ार या 50-60 हज़ार? आपने जीरो की कमी की है। तो अब आपको डेयर करना ही होगा। अब वो डेयर क्या है मैं आपको बताती हूँ।
तो आपके लिए मैंने एक बहुत अच्छा डेयर सोच के रखा है। रुकिए, डेयर के लिए रेडी हैं? तो आपका डेयर है इनको, आपको दोनों गाल पे पप्पी देना है और एक मिनट के लिए हग करके रखना है। चलिए 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 दिमाग खराब है क्या? गुटखा खाया हुआ बंदा यार। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, गाल से गाल मिला करके। ये क्या है, ये क्या कर रहे गले में? नीमो, जैसा कि आप हार गए हैं, आपको एक और डेयर दिया जा रहा है। तो आइए, आपको जो मेरी दीदी हैं, हेयर ड्रेसर दीदी हेमा दीदी, उनको बिना बताए उठाना है और उनके साथ दो स्टेप करना है सालसा। मजा आया। अब इसके बाद मैं नहीं खेल रहा। अरे यार, ये तो चीटिंग है। ये पहले कैमरा आपने भाई साहब ने दिखा दिया, दीदी को लॉजिक समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। यहाँ मेरा फेल हो गया। कोई बात नहीं, किसी और बकरे को पकड़ते और कुछ इंटरेस्टिंग करते। आर यू रेडी बनी जा? हेलो सुजीत जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे? एकदम बढ़िया। तो ये जो है वो मेरे फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो मैं एक वीडियो बना रही हूँ जो है ट्रूथ एंड डेयर। तो आपसे एक सवाल किया जाएगा और अगर आप उस सवाल में आप हारे तो मैं आपको एक डेयर दूंगी और वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किए तो और उससे भी मुश्किल डेयर आपको दिया जाएगा। ओके तो मैं हारूंगा, ये श्योर है। तो ये बताइए, आपके सबसे अच्छे मित्र जो हैं इस सेट पे वो है नीमो, है ना? तो उनका बर्थडे डेट बताइए। 10 पुशअप मारना है नीमो को अपने पीठ पर बिठा कर। ये मेरे बस की बात है, हमसे ना हो पाएगा, ये आपको करना ही पड़ेगा। आ जाओ ट्रिपल, पोजीशन क्या लेना, आ जाओ अभी अभी। एहे, रहा नहीं जाता। उनको डेयर दिया गया है पुशअप करने का नीमो को बिठा करके। लेट्स सी अपना डेयर कर पाएंगे कि नहीं। जिम्मेदार मैं नहीं। चलिए अरे आपको 10 का दिया, कम से कम 2 तो मारिए, इज्जत तो बचाइए। डेयर क्यों हार रहे? एक तो मार लो। अबे नहीं हो पाएगा। अरे एक 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 ट्रायल, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जाते हैं, उठना है। कम ऑन, ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? पुशअप है ये? क्या पुशअप है? ये क्या पुशअप है? अच्छा बैड, ये कुछ नहीं है। आप अपने डेयर में हार गए। आप अपने डेयर में हार गए। मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं हार जाऊंगा। हाय यार, मेरे डायरेक्टर हार गए। आप हार गए डेयर? मैं हारा नहीं हूँ, तो इसका बदला लिया। मैंने सोचा कि अपनी बेइज्जती ना करवाऊं। चलो कम से कम सेट पे 2 लोगों ने डेयर हारा है।